पिछले एक सालों में आपने वंदे भारत का दौर देखा कि किस तरह से भारत के विभिन्न राज्यों को वंदे भारत दिया गया, लगातार दिया गया। इतना ट्रेन भारतीय इतिहास में भारत को कभी नहीं मिला था। वंदे भारत का दौर अभी भी जारी है। पूरे भारत में करीब करीब 400 से ज्यादा वंदे भारत को चलाया जाना है। लेकिन जो हमारा अगला दौर होगा वो होगा वंदे मेट्रो का, और वो दौर भी अब स्टार्ट होने जा रहा है। इसके बाद का जो दौर आएगा वो होगा बुलेट ट्रेन का। उसके बाद भी कहानी ऐसे ही चलते रहेगी, भारत लगातार ग्रो करता रहेगा। फिलहाल वंदे मेट्रो का दौर स्टार्ट हो चुका है। भारत के पहले वंदे मेट्रो का ट्रायल भी हो चुका है। बहुत जल्द आपको भारत के विभिन्न राज्यों में वंदे मेट्रो देखने को मिलेंगे। अब तक क्या होता था कि भारत में मेट्रो तो था, लेकिन मेट्रो को कोई विदेशी कंपनी बनाती थी या विदेशी टेक्नोलॉजी के आधार पर तैयार किया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब भारत मेड इन इंडिया वंदे मेट्रो को बना रहा है। तो आइए आज के इस वीडियो में वंदे मेट्रो के बारे में जानते हैं। वंदे मेट्रो का फर्स्ट ट्रायल कहां पर हुआ, सबसे पहले वंदे मेट्रो किस राज्य को मिलेगा, कैसा होगा हमारा वंदे मेट्रो। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। दोस्तों ट्रेन और मेट्रो दोनों में काफी फर्क होता है। जो मेट्रो होता है उसे किसी एक शहर में चलाया जाता है। जिस शहर में ज्यादा ट्रैफिक होती है उस पूरे शहर में मेट्रो को चलाया जाता है, ताकि लोग सड़क पर अपनी गाड़ी को ना निकालें। अब मान लीजिए एक मेट्रो में एक बार में 4000 आदमी यात्रा कर रहे हैं। अगर मेट्रो ना होता तो वही 4000 आदमी सड़क पर अपनी व्हीकल को लेकर के निकलते, तो शहर में ऑलरेडी पहले से ट्रैफिक है। इसके बाद अगर 4000 और व्हीकल सड़कों पर उतर जाता तो सोचिए फिर ट्रैफिक का क्या हाल होता। इसके अलावा इस 4000 व्हीकल का मतलब है कि हर आदमी को पेट्रोल भराना पड़ेगा, हर आदमी को उतना पैसा खर्चा होगा। लेकिन मेट्रो में क्या होगा, एक ही मेट्रो में 4000 आदमी सफर कर पाएंगे, फ्यूल भी बचेगा। चूंकि मेट्रो बिजली से चलेगा तो इसमें कार्बन का इमिशन भी नहीं होगा। तो ये मेन रीजन है कि हम लोग शहरों में मेट्रो को चलाते हैं। जैसे कि आप दिल्ली को देख लीजिए, पूरे दिल्ली में मेट्रो का जाल बिछा हुआ है। आपको कहीं भी जाना है दिल्ली के एक कोने से दूसरे कोने पर, आपको मेट्रो मिल जाएगा। ठीक वैसे ही दिल्ली की तरह भारत के और भी जो बड़े बड़े शहर है, जैसे कि कोलकाता हो गया, पुणे, बेंगलोर, मुंबई, इन सब में भी मेट्रो को चलाया जाएगा, चलाया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि अब तक हम लोग मेट्रो के लिए विदेशी कंपनी से डील करते थे, वो आकर के यहाँ पर बनाती थी, हमें काफी ज्यादा पेमेंट करना पड़ता था, तब जाकर के एक मेट्रो आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब भारत खुद से मेट्रो को तैयार कर रहा है, जिसे नाम दिया गया है वंदे मेट्रो। वंदे भारत के बाद वंदे मेट्रो की लॉन्च होने की तारीख सामने आ चुकी है। वंदे मेट्रो का ट्रायल भी चल रहा है। लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसको लेकर के जानकारी भी दी, और उनके जानकारी देने के ठीक दो दिन बाद वंदे मेट्रो का ट्रायल भी चालू हो गया। जो कम डिस्टेंस के बड़े शहर है, कम डिस्टेंस के जो बड़े शहर है 150-200 किलोमीटर के बीच के, उसमें एक रीजनल ट्रेन चले, इसके लिए वंदे मेट्रो डिज़ाइन की गई है। और पहली गाड़ी डिज़ाइन होने के बाद में कपूरथला फैक्ट्री से निकल चुकी है, उसकी टेस्टिंग चल रही है अभी, और बहुत जल्दी वो लॉन्च होगी। और वंदे मेट्रो भी आप देखेंगे अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेन्स की तरह, ये एक ऐसी सर्विस होगी माननीय अध्यक्ष जी, जो भारत में यात्रियों के लिए एक नया वरदान साबित होगी। एब्सोल्युटली मॉडर्न फैसिलिटीज, सेफ्टी से लैस, हर तरह के जो इनोवेशंस जो अब तक सीखे गए और दुनिया भर में जो अच्छे से अच्छे फीचर्स होते हैं, वो सारे के सारे फीचर्स वंदे मेट्रो की ट्रेन में रखे गए। वंदे मेट्रो कैसा होगा, जब इसका पहला वीडियो आया था तो उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, ये वाला लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वंदे मेट्रो अब अपने मैन्युफैक्चरिंग हब से निकल चुकी है और ट्रायल के लिए पटरी पर खड़ी है। इनफैक्ट वंदे मेट्रो को ट्रैक पर दौड़ा भी दिया गया है। 3 अगस्त को पहली बार वंदे मेट्रो का ट्रायल लिया गया। इस वाले ट्रायल रन को चेन्नई से कटपादी के बीच में चलाया गया। बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों तक इसी तरह से इसका ट्रायल चलेगा, जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको सॉल्व किया जाएगा। जब वंदे मेट्रो हर तरह के इंस्पेक्शन से पास हो जाएगा तब जाकर के इसे फाइनली आम जनता के लिए ओपन कर दिया जाएगा। आपको बता दें गाइस कि वंदे मेट्रो को कुछ दिन पहले चेन्नई कोच फैक्ट्री और कपूरथला कोच फैक्ट्री में बनाया गया है। वंदे मेट्रो फुल्ली एसी ट्रेन होगा, जिसकी टॉप स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वंदे मेट्रो में वंदे भारत की तरह ही सारी फैसिलिटी अवेलेबल होगी। इसमें जो भी फीचर्स होंगे वो वंदे भारत ट्रेन से ही सिमिलर होंगे। लेकिन वंदे मेट्रो में पेंट्री कार को नहीं लगाया गया है, क्योंकि वंदे मेट्रो को कम दूरी के लिए चलाया जाएगा। जैसा कि मैंने आगे बताया, वंदे मेट्रो को एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए तैयार किया जाएगा। आप यूँ समझिए कि वंदे मेट्रो को 200 किलोमीटर के राउंड में ही चलाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक वंदे मेट्रो 400-500 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि वंदे मेट्रो की एक कोच में 100 सीट अवेलेबल होगी पैसेंजर को बैठने के लिए। इसके अलावा 200 व्यक्ति
गंदे मेट्रो में खड़े होकर के यात्रा भी कर पाएंगे। चूंकि इन्हें कम डिस्टेंस के लिए चलाया जा रहा है तो इसमें खड़ा होने में कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसा कि अगर आप मेट्रो में सफर किए होंगे तो आपको पता होगा। यहाँ पर आपको बता देगा इसकी वंदे मेट्रो का जो लुक है, जो डिजाइन है, वो दूसरे लोकल ट्रेन से काफी बेहतर है। इसके अलावा जो हमारे पास पहले से मेट्रो अवेलेबल है, ठीक उसी मेट्रो के जैसा यहाँ पर आपको कई सारे फीचर देखने को मिलेंगे। ऑटोमेटिक गेट, मोबाइल चार्जिंग सॉकेट, एसी, डिफ्यूज लाइटिंग और ऑटोमेटिक डोर के साथ कई चीजें शामिल होगी। इनके डोर का जो डिजाइन है वो वंदे भारत एक्सप्रेस के जैसा ही है, लेकिन ये ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक गेट से फायदा ये होता है कि जब मेट्रो चलना स्टार्ट करेगी तो आप गेट पर खड़ा होकर के सफर नहीं कर सकते हो। ऐसे क्या होता, आपने लोकल पैसेंजर ट्रेन को देखा होगा, लोग ट्रेन के गेट पर खड़ा हो जाते हैं, आराम से बैठ जाते हैं, कई तरह की दुर्घटना होती है। लेकिन मेट्रो वगैरह में ऐसा नहीं होता, यहाँ पर ऑटोमेटिक गेट होता है। आप एक बार अंदर जाइए, मेट्रो का गेट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इससे मेट्रो स्पीड भी चलेगी तो पैसेंजर को कोई खतरा नहीं होगा। इसके अलावा ऐसा बता दें कि हर कोच में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा को भी लगाया गया है। इसके अलावा यात्रियों की सुरक्षा के लिए कवच ट्रेन एंटी कोलिजन सिस्टम को लगाया गया है। आपको बता देगा इसकी अब तक की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अकॉर्डिंग वंदे मेट्रो भारत के 124 शहरों को मिलने वाला है, यानी कि ये 124 शहरों को आपस में जोड़ेगा। भारत का जो पहला वंदे मेट्रो है उसको 2 महीना के अंदर यानी कि 60 दिन के अंदर पटरी पर उतार दिया जाएगा, देश को समर्पित कर दिया जाएगा। जिस भी शहर में वंदे मेट्रो को स्टार्ट किया जाएगा वहाँ पर एक बार में 5 से 10 मेट्रो को चलाया जाएगा। अश्विनी वैष्णव का कहना है कि 2 शहरों को आपस में जोड़ने के लिए हमें रीजनल ट्रेन को चलाना होगा और इसके लिए वंदे मेट्रो को तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली जैसे शहरों में आपको RRTS देखने को मिल जाएंगे, नमो भारत। अगर रेलवे की रिपोर्ट की बात करें तो रेलवे के जानकारी के अकॉर्डिंग फर्स्ट फेज में वो लोग 50 वंदे मेट्रो को चलाएंगे इंडिया में और आगे जाकर के इन संख्या को 400 तक बढ़ा दिया जाएगा। अगर आप ध्यान दें तो आपको समझ में आएगा कि भारत सरकार टोटल 400 वंदे भारत को भी चलाना चाहती है भारत में, और अब 400 वंदे मेट्रो भी भारत को मिलने वाले हैं। इस प्रकार टोटल 800 ट्रेन हो गया न्यू ट्रेन जो कि भारत को 2030 तक मिल चुका होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी ट्रेनें हैं जो मिल रही है, जैसे कि RRTS हो गया और भी बहुत सारे राजधानी एक्सप्रेस वगैरह को बनाया जा रहा है। चूंकि हमारी जनसंख्या काफी ज्यादा बढ़ रहा है इसलिए हमें और भी कई सारे ट्रेनों की आवश्यकता होगी। वंदे मेट्रो का जो रेंज होगा वो 100 से 250 किलोमीटर के बीच ही होगा। जिस तरह से भारत के अलग अलग शहरों के बीच में इंटरसिटी ट्रेन चलती है, ठीक वैसे ही भारत मेट्रो यानी कि वंदे मेट्रो को चलाया जाएगा। वंदे मेट्रो का किराया कितना होगा इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। शुरू में किराया थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, लेकिन जैसे ही 400-500 वंदे मेट्रो भारत को मिल जाएंगे तो यहाँ पर वंदे मेट्रो, वंदे भारत इन सब का जाल बिछ जाएगा, तो फिर इसका पैसेंजर कॉस्ट भी कम हो जाएगा। जानकारी के लिए गाइस आपको बता दें कि वंदे मेट्रो का जो किराया होगा वो 20 रुपए से स्टार्ट होगा और 100 रुपए तक जाएगा, यानी कि मोस्टली आप 100 रुपए में 2 शहरों के बीच में अनजान कर पाओगे। यानी कि इसे आम लोगों के लिए, लोकल लोगों के लिए बनाया जा रहा है कि वो 100 रुपए से कम खर्च करके इस सफर को तय कर ले। अदरवाइज अगर आप बाइक से जाते हो तो आपको इससे डबल का तेल जल जाएगा। तो देखा जाए तो वंदे मेट्रो के आने से आम पब्लिक को बहुत ही राहत मिलेगी। बाकी गाइस आपको क्या लगता है, आने वाले 60 दिनों के अंदर वंदे मेट्रो भारत में चालू हो जाएगा? आपके हिसाब से आपके राज्य को वंदे मेट्रो मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? क्या सोचते हैं गाइस आप इन सारी चीजों के बारे में? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए, लेटेस्ट प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर दबाइए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। दिस ईयर देयर विल बी 2 new concepts. फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑफ वंदे मेट्रो. वंदे मेट्रो इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनल रेल. फॉर एग्जाम्पल इन यूरोप यू हैव सीन बिटवीन 2 cities विच आर क्लोज बाय समथिंग लाइक 50, 60, 70, लेस देन 100 किलोमीटर.